हेलो दोस्तों, आज हम आपको गुमला जिले के सिसई प्रखंड में स्थित नौरतनगढ़ किला को दिखाने वाले हैं। आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये बेड़ो चौक का है। ये वाला रास्ता आपको रांची की ओर ले जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बोर्ड में सिसई 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी रास्ते में आपको कई सारे पर्यटन स्थल देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं बोर्ड में पारस जलाशय, नौरतनगढ़, अंजन धाम, पालकोट, वन्य प्राणी, इसी रास्ते में आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग बाबा कपिलनाथ धाम द्वार के पास पहुँचे हैं। और इस साइड हम लोग इस साइड आप जो कच्ची सड़क देख रहे हैं, ये नौरतनगढ़ की ओर ले जाएगा। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। इसे भारत सरकार ने 2019 सितंबर में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसे घोषित किया था। अगर ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें आप पढ़ेंगे तो इस किले के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, वही सब इसमें लिखा हुआ है। तो अब हम लोग अंदर की ओर चलते हैं। यह रांची से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, यह किला। यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इसे किसी प्रकार से क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो आपको 1,00,000 का जुर्माना और 2 साल का सजा हो सकता है। जो आप बाइक देख रहे हैं, यहाँ पे बाइक खड़ी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पार्किंग है नहीं पार्किंग के लिए, इसीलिए अंदर ही यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर भी इस बोर्ड में भी लिखा हुआ है इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। लुकाछिपी मठ, जगतनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, रानी महल, रानी तालाब, रानी का तालाब, ये सब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए बना हुआ है, इसे बनाया गया है फिलहाल। ये किला का करीब 350 साल पुराना ये किला है। 1636 के आसपास इसका निर्माण किया गया था। तो ये देख सकते हैं, ये मुख्य किला है। कहा जाता है ये इस 5 मंजिला था, पर 2 मंजिला जमीन के अंदर धस गया है। बता दें दोस्तों, ये इसमें कोई पिलर का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ ईंट और चूने का इस्तेमाल करके बनाया गया है। देख सकते हैं अभी 3 तल्ला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से द्वार तो अभी नहीं है, फिर भी ये यहाँ पे बना दिया गया है, ऐसे देख सकते हैं। यहीं से सब लोग घुसते हैं अंदर खिड़की से ही। काफ़ी अंधेरा है अंदर, तो देख सकते हैं, आपको पता चल रहा होगा नीचे कितना धसा हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, गिरने का कगार पे है, सब फट रहा है दीवार। राष्ट्रीय धरोहर होने के बावजूद भी अभी तक इसका ठीक से रखरखाव नहीं हो रहा है।
ये दिवाली 30-35 इंच मोटी है। देख सकते हैं किस प्रकार है बना हुआ है। ये ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बना हुआ है, देख सकते हैं। इसमें चूहों ने गंदगी एकदम किया हुआ है यहाँ पे, और अंधेरा रहता है। किस प्रकार सीढ़ी है देख सकते हैं, सिर्फ यहीं तक है सीढ़ी। और ये जो फ्लोर, जो छत होता है, ये वाला फ्लोर वो टूट चुका है, गिर गया है। सीढ़ी देख सकते हैं कितना पतला था। अंदर से ऊपर जाने के लिए है नहीं, और चढ़ने से भी मना किया गया है। वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड भी रहता है, वही देखता रहता है। देख सकते हैं गिरने के कगार पे है, ये भी कुछ सालों में गिर जाएगा। अगर इसमें कोई चढ़ता है तो ये इजीली गिर जाएगा, क्योंकि ये चूने चूने के से बना हुआ है। ये देख सकते हैं, ये तालाब है, रानी का तालाब। इसका भी कोई सफाई नहीं किया जाता है, ऐसे ही देख सकते हैं किस प्रकार है। जो सामने आप देख रहे हैं ऊपर, इसमें संतरी लोग जो ऊपर ऊपर से देखते हैं कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है आक्रमण के लिए, संतरी लोग उसमें रहते थे शायद कहा जाता है। गुमला की किताबों में नौरतनगढ़ के बारे में दिया गया है, तो ये आप वही जो आप देख रहे थे अभी, ये वही है। ये ऊपर ईंटे का बना है, नीचे पत्थर से इसका जुड़ाई किया गया है, देख सकते हैं आप लोग। नीचे पत्थर से है और ऊपर ईंट से जुड़ाई किया गया है चूने से। और इसके नीचे साइड गांव है। ये पत्थर के ऊपर ही बनाया गया है, देख सकते हैं ये पूरा पत्थर है, नीचे पहाड़ उसके ऊपर ही इसे बनाया गया है। यहाँ ऊपर से सभी चीजें, दूर दूर की चीजें दिखाई देती हैं, देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। और ये रानी का किला है, रानी महल, रानी का महल। ये भी नीचे जमीन के नीचे धंसता जा रहा है। अगर इसका रखरखाव नहीं किया गया तो बहुत जल्द ही ये भी ढह जाएगा। राष्ट्रीय स्मारक घोषित होने के बावजूद भी अभी तक इसका
ठीक से रखरखाव नहीं हो रहा है। यहाँ पे गाय बैल सब आता रहता है, देख नीचे, इसी कारण से भी ये देख सकते हैं रानी का महल। ये काफी देख सकते हैं दीवार पूरा फट गया है, 30 इंच का मोटी मोटी दीवारें हैं इसमें, कोई पिलर उलर नहीं होने के कारण किले में भी और ये इसमें भी महल में भी रानी महल में भी, इसी कारण से ये सब गिर गया है। देख सकते हैं मट्टी हो जा रहा है सब गिर के, इसके ऊपर घास सब भी उगने लगे हैं। इसमें अगर आप आते हैं तो इसमें देखेंगे कि बहुत ही नैरो टाइप का, नैरो कहा जाए संकरी, एकदम पतला है सीढ़ी चढ़ने के लिए भी, और जो रूम बने हैं वो भी छोटा छोटा ही है, बड़ा बड़ा है नहीं, जैसे राजा लोग का होता है बड़ा बड़ा महल जैसा, ऐसा नहीं है, छोटे छोटे रूम है। देख सकते हैं ऊपर से कितना बड़ा ये किला था, फिर भी ऊपर से टूट टूट के पूरा जमीन में धंसता जा रहा है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितना नीचे तक ये भी धंसा हुआ है। ये रानी महल का ही है, देख सकते हैं किस प्रकार डिजाइन बना हुआ है, काफी अंधेरा होने कारण कैमरे से भी ठीक से ये कैप्चर नहीं हो पाया है, गंदगी है नीचे पूरा, कोई साफ साफ सफाई नहीं। पत्थरों को देख सकते हैं आप लोग कैसे किस प्रकार कलाकृतियां की गई हैं, 380 वर्ष पहले का, पहले के लोगों ने ये सब बनाया है। ये मंदिर था, ये सामने का ही है, सब पीछे का ढह गया है। अगर आप हिस्ट्री स्टूडेंट है तो आपके लिए ये यहाँ आप देख सकते हैं आके, इतिहास में रुचि रखते हैं तो। और ये है लुका छिपी वाला महल, यहाँ पे रानियाँ लुका छिपी खेलती थी, इसमें भी बहुत ही पतला पतला
रूम बना हुआ है, ईट का बना हुआ है, देख सकते हैं। अगर आप आते हैं तो पहले इसका हिस्ट्री जान लेंगे तो आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगा कि ये कैसा जगह है और किस प्रकार ये सब बना हुआ है। ये देख सकते हैं महल, बड़ा बड़ा महल नहीं है, छोटे छोटे ही रूम है, पर बहुत अच्छी तरह से इसकी डिजाइन किया गया है। कहा जाता है कि रानी महल से तालाब तक नीचे सुरंग था जाने के लिए। ये देख सकते हैं ये भी फट रहा है, गिरने के कगार पर आ गया है। जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मना किया है कहीं भी चढ़ने से, ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये देख सकते हैं कितना छोटा सा जगह ही है ये, आपको कैमरे से पता नहीं चल रहा होगा पर काफ़ी अंधेरा था। ये मोबाइल के रोशनी से ये सब किए हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। यहाँ पे लुका छुपी वाला महल में देख सकते हैं छोटा सा, छोटा छोटा बहुत बना था ये। देख सकते हैं यहाँ पर भी जितनी भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं महलों में, रानी महल या लुका छुपी वाला बहुत ही संकरी कहते हैं उसी प्रकार, बहुत ही छोटे जगह में ही पतला, चढ़ने में बहुत डर लगता है, चढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत लगता है। देख सकते हैं कितना छोटे से जगह में सीढ़ी बनाया गया है, चौड़ाई बहुत ही कम रहता है, आप लोग देख सकते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए मना किया है सिक्योरिटी ने, वहाँ पे गिरने का डर के कारण। ये भी मंदिर ही है, मठ शायद जगतनाथ मठ। अगर आप हिस्ट्री पढ़ के जाते हैं तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। यहाँ पे गुमला किताबों में इसके बारे में दिया हुआ है। और जीपीएससी एग्जाम में भी नौरतनगढ़ के बारे में काफी बार पूछा जाता है। देख सकते हैं काफी मोटी मोटी पत्थरे हैं, फिर भी टूट गई हैं। राष्ट्रीय धरोहर होने के बावजूद भी अभी तक इस कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है सही से इसका मरम्मत करने का। ये महल का ही है, फर्स्ट महल का। और ये मठ है शायद, पढ़ लीजिएगा आप लोग वहाँ पे एक बार फिर से। तो इसमें भी काफ़ी, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि इसका रूम काफ़ी छोटा छोटा ही है। तो फ्रेंड्स अगर आप आते हैं तो एक बार हिस्ट्री पढ़ के आएं तो आपको समझने में काफ़ी आसान होगा। और देख सकते हैं चारों ओर इसके पहाड़े हैं।
ये आपका मुख्य किला है। यहाँ से आने के लिए आप लोग देख सकते हैं अंदर का ही। किनारे किनारे पहाड़े हैं। गाय बैलों के कारण भी नुकसान हो रहा है। और ये भी देख सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए बेंच लगे हुए हैं।